हड्डी जुड़ भी रही है, नहीं भी जुड़ रही है, यानी फ्रैक्चर जुड़ने की क्या पहचान होती है, क्या संकेत होते हैं? लोग ये गूगल पे सर्च करते हैं, और तो और ये भी बात सर्च करते हैं कि हड्डी जोड़ने की दुआ, हड्डी जोड़ने का मंत्र। वाह भाई यार, मंत्र मंत्र इसमें कोई काम नहीं करता, दुआएं भी इसमें जो ईश्वर की लगती हैं और डॉक्टर की। तो मैं आपको बता दूं कि हड्डी जोड़ने की क्या पहचान होती है, क्या जो है इसमें संकेत मिलते हैं हमको, ये सब बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी फ्रैक्चर होता है तो एक्सीडेंट के कारण या फिर कोई ऊपर से गिर जाने के कारण, ज्यादातर एक्सीडेंट का ही कारण रहता है। लेकिन मैं आपको और बता दूं कि फ्रैक्चर ओपन भी हो सकता है और क्लोज फ्रैक्चर भी। ओपन फ्रैक्चर में हड्डी बाहर की ओर मांसपेशियों को फाड़ के बाहर आ जाती है, जिसमें खून भी जो है बाहर की ओर आ जाता है, और क्लोज फ्रैक्चर में भी ब्लड निकलता है लेकिन अंदर ही रहता है। लेकिन फ्रैक्चर और भी तरह का हो सकता है, जैसे कम्युनिकेटेड, स्पाइरल, ऑब्लिक, कई सारे तरह होते हैं, हड्डी इधर उधर खिसक गई है, इसको छोड़िएगा। मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर अगर हड्डी इधर उधर होती है तो डॉक्टर या तो स्लैब लगाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, या एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं, या जो इंटरनल फिक्सेशन। तो ये सब बातों को छोड़िए, तो होता ही होता है। लेकिन हड्डी जोड़ने की पहचान क्या होती है, यानी कि अगर कोई भी फ्रैक्चर हुआ है तो हड्डी आपस में, अगर मान लीजिए कोई प्राइमर फ्रैक्चर हुआ है हाथ में, तो हड्डी अगर नहीं जुड़ रही है तो वह दर्द का संकेत देगी। अगर मान लीजिए हड्डी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है और आपको 2-3 महीने हो गए हैं और आप अभी ये भी जो है समझ नहीं पा रहे हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, डॉक्टर आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हड्डी के कई सारे ऐसे जो है संकेत होते हैं, कई सारे साइन होते हैं जिसको हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हाँ पक्का नहीं कह सकते, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हम अपने आप से खुद जो है पहचान करने के लिए, यानी कोई पैरल फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी आपस में टूटी हुई है तो नीचे वाली जो है दर्द, मतलब दर्द वो एरिया करेगा ही करेगा, वजन भी नहीं लेने देगा, और आपको वहां सूजन भी बहुत ज्यादा हो सकती है, और दूसरे पैर की तुलना में दर्द ज्यादा करता ही करता है, लेकिन आपको चलने में भी दिक्कत करता है, आपको 4-6 महीने हो गए हैं और आपका अभी फ्रैक्चर नहीं जुड़ पा रहा है, और अगर फ्रैक्चर जुड़ता है तो वहां पर कैलस फॉर्मेशन एक प्रक्रिया होती है, जो कि मैंने कई सारे वीडियो में बताई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, कैलस मतलब फॉर्मेशन क्या होता है, तो जाइए आई बटन पे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो कैलस जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कैल्शियम बनना। कैल्शियम मानिए एक अपनी आम भाषा में कहें तो मतलब कोई मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा जो है कुछ पदार्थ का बनना, आपकी भाषा में कहें तो, लेकिन मेडिकल भाषा में कैलस फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। तो हड्डी के जो है पास में चारों तरफ से कैलस फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती है, जिसके द्वारा हड्डी में ऐसा लगता है कि बाहर से कोई हल्का सा शैडो आता है कैल्शियम का, उससे हमको पता लगता है कि हड्डी जुड़ रही है। तो ये एक्सरे में देख के पता लगा सकते हैं, अगर हड्डी नहीं जुड़ रही है तो उसमें कैलस फॉर्मेशन की प्रक्रिया दिखेगी नहीं, और इसमें आपको अदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर के पास जाइएगा और आप अपना एक्सरे कराइएगा अगर आपको कोई डाउट है, और आपको डॉक्टर सही जो सलाह देंगे देख के। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक कैलस फॉर्मेशन की प्रक्रिया को जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर हड्डी ज्यादा इधर से उधर है और आप ये जानना चाहते कि हड्डी अपने आप से फिक्स हो जाएगी या नहीं, देखिए फ्रेंड हड्डी अपने आप से फिक्स नहीं होगी, हड्डी वहीं जुड़ जाएगी तो जुड़ने वाली होगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल सेंटर पर चाहते हैं हड्डी सही जगह पर जुड़े, तो इसमें डॉक्टर का जो है ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें किसी जो है रॉड या प्लेट की डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी वायर की भी, लेकिन ये सब छोड़िएगा। मैं आपको और बता दूं, अगर हड्डी जुड़ती है तो हड्डी में कई सारे महीने हो जाते हैं नहीं जुड़ती है, तो उसमें जो है नॉन यूनियन फ्रैक्चर उसे बोलते हैं, और उसमें बोन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ऊपर जाइए आई बटन पर, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अब आपको बता दूं, अगर बोन जुड़ रही है तो वह आपस में ऐसा नहीं लगेगा कि हिल सी रही है, लचक सी है, यानी अगर वह मजबूत होती जाएगी तो वह जगह जो है खूब ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। गर्मी भी कुछ ज्यादा पड़ रही है क्योंकि मैं पंखा नहीं चलाता हूं, तो इस बात पर गौर मत कीजिएगा मैं क्या करता हूं वीडियो के बीच में। लेकिन जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दर्द, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रैक्चर जुड़ जाता है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, वो दर्द ऐसा नहीं होता है, मांसपेशियों का दर्द होता है,
उसमें फिजियोथेरेपी कराने की आवश्यकता होती है और वह दर्द भी चला जाता है। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा कि हड्डी जुड़ती है तो क्या संकेत देती है। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में, और हड्डी कितने दिन में जुड़ती है यह आप आई बटन की वीडियो पे या एंड स्क्रीन कार्ड पे सभी में देख सकते हैं। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।